चार दिन पूर्व सिटी का न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस तक उतर गया था, जिसके चलते अचानक ही ठंड बढ़ गई थी। लेकिन अब एक दो दिनों से हल्की सी राहत मिली है। न्यूनतम तापमान में कुछ बढ़ोतरी के चलते ठंड में भी कमी आई है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को सिटी का न्यूनतम तापमान 10.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। नगर थाना अंतर्गत दोपहिया वाहन पर जा रही महिला से चेन स्नैचिंग का मामला सामने आया है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुक्रवार को मास्क के बिना घूमना उस समय कुछ लोगों को महंगा पड़ गया जब मनपा के उपद्रव शोध दल के अलग अलग हिस्सों में कार्रवाई कर 132 लोगों से 500 रुपए प्रति व्यक्ति के अनुसार 66,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। के कारण परीक्षाएं लेना मुश्किल हो गया है। अंतिम वर्ष को छोड़कर अब तक अन्य परीक्षाएं नहीं ली गई। इसी बीच हरिभाऊ आदमा ने कला वाणिज्य महाविद्यालय के बीए प्रथम व द्वितीय वर्ष के करीब 105 छात्रों को मराठी विषय के एक प्राध्यापक द्वारा अंतर्गत कम अंक देकर अनुत्तीर्ण करने की जानकारी सामने आई है। रोड़ी थाना अंतर्गत पुरानी दुश्मनी को लेकर एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया। राजा रामनगर निवासी कुणाल कैलाश रूढ़े नामक युवक गंभीर रूप से जख्मी है। आरोपियों में खापरी निवासी कुणाल भीमराव वाघमारे और आकाश मेघराज गडलिंग के अलावा विराज पार्क निवासी ऋषभ राजेश रामटेके का समावेश है। ऑरेंज सिटी में कोरोना का प्रकोप जारी होने के बाद भी शहर के अधिकतर प्रतिबंधित क्षेत्रों को खोल दिया गया है। बाजार, जिम, थिएटर और अन्य सार्वजनिक स्थल खुल गए हैं। लेकिन सिटी की शान कहे जाने वाले महाराज बाग चिड़ियाघर को अब तक दर्शकों के लिए नहीं खोला गया है। चिड़ियाघर बंद होने से प्रशासन को भी हर माह लाखों का नुकसान हो रहा है। मकर संक्रांति को अब सिर्फ 20 दिन शेष रह गए हैं और पतंग उड़ाने वालों में उत्साह जुनून में बदल रहा है। लेकिन बंदे होने के बावजूद नायलॉन मांजा धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। युवापुर थाने की हद में शुक्रवार को दोपहर करीब 2 बजे सेलोटी गांव की ओर जाने वाला ट्रैक्टर ट्रॉली सहित उलट गया। उसमें ट्रैक्टर का चालक और 2 मजदूरों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। पालक मंत्री नितिन राउत ने नागपुर एयरपोर्ट में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा कोरोना के संदर्भ में जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार की गई तैयारियों का जायजा लिया। हिंगना थाना अंतर्गत एक महिला के साथ खेत के सौदे में फर्जी कागजात और नकली गवाह तैयार कर 6,98,000 रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोपियों में जुनेवानी निवासी देवराव हरिभाव गोंद्रे, गिरोला निवासी जगदीश तुरेबान काकरे, वासीपुरा जिला वर्धा निवासी दिलीप गुलाबराव तालवलकर बताए गए हैं।